हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ यूनिट 1 फ्रॉम फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड। कोर्स कोड है जिसका BP 401T और ये बी फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। और जैसा सुनने में आ रहा है कि आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे वो एमसीक्यू पैटर्न्स पे हो सकते हैं, इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि आपको प्रत्येक यूनिट के यूनिट वाइज 20 क्वेश्चन जो हम आपको प्रोवाइड कराएँ उनके सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आपको इस उनकी तो प्रैक्टिस हो ही, साथ ही साथ अगर उससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चंस बन सकते हैं तो उनकी भी प्रैक्टिस आप साथ ही साथ करते चले जाएं। मैं कह रहा हूँ 20 क्वेश्चंस प्रत्येक यूनिट हम देंगे, कई बार ज़्यादा भी क्वेश्चंस हो सकते हैं बिकॉज यूनिट बड़ी हो। जैसे कि आज की जो हमारी यूनिट है स्टीरियो केमिस्ट्री की, ये काफ़ी बड़ी यूनिट है, इसलिए यहाँ पर हम 30 क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। इन क्वेश्चंस को आप सेमेस्टर के हिसाब से तो तैयारी कर सकते हैं, साथ ही साथ कम्पिटेटिव एग्जाम्स या GPAT वगैरह की जो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चंस आपको वहाँ पर भी हेल्प करेंगे। तो मैं हूँ डॉक्टर बजेंद्र शुक्ला, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो एक डेफिनेशन है। द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ रोटेशन ऑब्जर्व्ड इफ वन डेसीमीटर ट्यूब इज यूज्ड एंड द कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड इज 1 ग्राम पर ml। देखिए, जो पोल्ट्री मीटर होता है हमारा, उसमें जो ट्यूब होती है जिसके अंदर हम अपना सैंपल रखते हैं, उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 1 डेसीमीटर और जो कंसंट्रेशन हमें लेनी होती है वो होती है 1 सेंटीमीटर। तो जब हम इस प्रकार से उसका रोटेशन चेक करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट का, तो जो चीज़ हमें मिलती है, जो रोटेशन हम निकालते हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं स्पेसिफिक रोटेशन के फॉर्म में। इसीलिए जो यहाँ पे आंसर होगा वो होगा स्पेसिफिक रोटेशन, बिकॉज ऑप्टिकल रोटेशन या सियोमेट्रिक रोटेशन या कन्फर्मेशन हम नहीं बता पाते। हम इसे क्या कैलकुलेट करते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन कैलकुलेट करते हैं। ये स्पेसिफिक रोटेशन की ही क्या है, डेफिनेशन भी है। और जो ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, पोल्ट्री मीटर होता है। इसीलिए आपको अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप उसका भी आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। कार्बन कंपाउंड टू विच 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच इज कायरल सेंटर, कायरल सेंटर, एक्टिव सेंटर या फिर इनएक्टिव सेंटर। देखिए, जब भी हमारे किसी भी कार्बन के ऊपर अगर 4 डिफरेंट ग्रुप्स या एटम्स लगे होते हैं तो ऐसे कार्बन को हम कायरल कार्बन कहते हैं। और अगर हमारे मॉलिक्यूल में इस प्रकार का कार्बन है तो उस सेंटर को हम लोग कायरल सेंटर के नाम से जानते हैं। तो जो आंसर होगा यहाँ पर वो कायरल सेंटर होगा। इससे रिलेटेड एक बात और है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर हम देखते हैं या स्टीरियो आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं, तो वो कायरल सेंटर के ऊपर ही निर्भर करती है। जितने नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स होंगे उतने ज़्यादा आइसोमर्स जो है वो मॉलिक्यूल्स के बन सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल में 2 कायरल सेंटर्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हो सकते हैं वो 2 की पावर n होता है। n इज़ द नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, टोटल 4 आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड में बन सकते हैं। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसका आंसर आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, सही कौन सा स्टेटमेंट है फॉर द मीजो कंपाउंड। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द स्पेसिफिक रोटेशन इज 0 डिग्री। बिल्कुल सही बात है, जो हमारा मीजो कंपाउंड होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, इसलिए वहाँ पर स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है वो 0 डिग्री होता है। बी, देयर इज 1 or more planes ऑफ सिमेट्री। बिल्कुल सही बात है, मीजो कंपाउंड में हमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलती है जिसकी वजह से हम अपने मॉलिक्यूल को 2 mirror images में बांट लेते हैं। सेम मॉलिक्यूल में ही मिरर इमेजेस हमको दिखने लगती हैं जिसकी वजह से वहाँ पर ऑप्टिकल रोटेशन 0 हो जाता है। ये बात भी सही है। पॉइंट नंबर 3, मोर देन 1 स्टीरियोजेनिक सेंटर मस्ट बी प्रेजेंट। बिल्कुल सही बात है, जो हमारे कायरल सेंटर्स हैं जिसे हम स्टीरियोजेनिक सेंटर भी बोलते हैं, ये कायरल सेंटर अगर एक होगा तो मीजो कंपाउंड नहीं बन सकता। कम से कम 2 कायरल सेंटर वहाँ पर होना ज़रूरी है, तभी हमें वहाँ पर जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो मिल सकती है। इसलिए तीसरी बात भी सही है, इसका मतलब जो आंसर होगा यहाँ पर वो ऑल ऑफ द एबव होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये भी एक डेफिनेशन है। कंपाउंड्स विच हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन ए स्पेस वाइल हैविंग सम एटम्स बॉन्डेड टू ईच अदर आर सेड टू हैव। देखिए, यहाँ पर क्या है कि हम लोग कायरल कार्बन की अभी बात कर रहे थे, और जो उस पर ग्रुप्स लगे होते हैं खास करके इस प्रकार से आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस हो कि जो ग्रुप्स लगे हैं स्पेस में उनकी अरेंजमेंट बदल जाए। कहने का मतलब, कई बार जो है ग्रुप्स जो है वो अबव द प्लेन लगे होंगे, कई बार बिलो द प्लेन लगे होंगे, और इस प्रकार के स्पेशल अरेंजमेंट की वजह से एक स्पेशल प्रकार की जो आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस होती है उसी को हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, द आंसर विल बी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अगला क्वेश्चन जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप कह सकते हैं एक हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है।
जीपैट के लेवल से भी पूछा जा सकता है और आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर हम आपको एक मिक्सचर दे रहे हैं जिसमें दो प्रकार के इनेंशियोमर्स पड़े हुए हैं, एक हमारा एस इनेंशियोमर है, एक हमारा आर इनेंशियोमर है, एक हमारा डेक्सो रोटेटरी है और एक हमारा लीवो रोटेटरी है, जिसका स्पेसिफिक रोटेशन भी आपको बताया जा रहा है और इसके बाद पूरे के पूरे मिक्सचर का भी स्पेसिफिक रोटेशन आपको बताया जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये दोनों कंपाउंड जो इनेंशियोमर्स हैं ये कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है। तो पहले तो हम लोग क्वेश्चंस देख लें, उनके ऑप्शंस भी हैं 25 और 75% इस प्रकार से। अब देखिए कि जो हमारा मिक्सचर है वो किस चीज़ का है, एस, यहाँ एस और आर लिख करके कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया है, जो प्लस और माइनस का साइन है वो हमें बता रहा है डेक्सो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी। तो जो हमारा एस आइसोमर है वो डेक्सो रोटेटरी है, एस प्लस है क्योंकि 2-butanol जो है और उसका स्पेसिफिक रोटेशन है +13.52, जबकि आर जो कि -2-butanol है उसका स्पेसिफिक रोटेशन है -13.52 और टोटल जो मिक्सर का स्पेसिफिक रोटेशन है वो है +6.76। इसका मतलब जो हमारा मिक्सचर है उसमें जो डेक्सो रोटेटरी है इसी से पता चल रहा है वो ज़्यादा है, क्योंकि जो स्पेसिफिक रोटेशन मिल रहा है हमें वो प्लस में मिल रहा है। अब इस तरीके के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बाय द हेल्प ऑफ जो इसका सलूशन है वो हम लेते हैं। इनेंशियोमेरिक एक्सेस हम सबसे पहले निकालते हैं कि कौन सा इनेंशियोमर ज़्यादा में है, तो प्लस वाला ज़्यादा में, इसका फॉर्मूला है जो आपको ऑब्जर्व रोटेशन मिल रही है यहाँ पर है +6.76 अपॉन जो मैक्सिमम रोटेशन है, मैक्सिमम रोटेशन हमेशा प्लस में होती है तो है वो +13.52 × 100 क्योंकि परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, तो ये निकल करके आएगा आप जब इसमें कैलकुलेट करेंगे इट इज 15%। नाउ अब हम लोग जो प्लस वाला क्योंकि ज़्यादा में आ रहा है इसीलिए प्लस वाले आइसोमर की कैलकुलेशन जो करेंगे वो कुछ इस प्रकार से करेंगे, परसेंटेज ऑफ प्लस आइसोमर या डेक्सो रोटेटरी आइसोमर इज 50/2। 50 जो परसेंटेज अभी हमने ई निकाला है उसको 2 से भाग देंगे क्योंकि 2 ही इनेंशियोमर का मिक्सचर हो सकता है, +50% क्योंकि मैक्सिमम कोई भी जो कंपाउंड होगा वो 50% ही हो सकता है, तो इसीलिए मतलब जो रेस्मिक मिक्सचर होता है 50% का होता है इसीलिए इसको 50 से हम क्या करेंगे प्लस करेंगे और जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 75%। तो यहाँ पे जो प्लस आइसोमर है जो डेक्सो रोटेटरी आइसोमर है वो है हमारा एस वाला और वो कितना है 75%, तो इसीलिए जो आर वाला होगा वो कितना हो जाएगा 100 से 75 को माइनस कर दीजिए आंसर आएगा 25। तो जो बी है आपका ऑप्शन इट इज़ द राइट आंसर 25% ऑफ आर एंड 75% ऑफ एस। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, सेम इसी पैटर्न पे आ सकते हैं, तो आप इस पैटर्न का जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ दीज आर कंपेरेटिवली इनसिग्निफिकेंट फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन। देखिए ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है जहाँ पर जो भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे जैसे कि कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट है, हमारा प्योरिटी ऑफ द सैंपल है, हमारा टेम्परेचर ऑफ द मेजरमेंट है या लेंथ ऑफ द सैंपल ट्यूब है, ये सारे के सारे जो चारों फैक्टर्स हैं ये अफेक्ट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन को, लेकिन कह रहा है इसमें से कंपेरेटिवली इनसिग्निफिकेंट फैक्टर कौन सा है। अगर इन चारों फैक्टर को हम कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा इनसिग्निफिकेंट कौन सा है इसमें से, तो वो होगा हमारा टेम्परेचर ऑफ द मेजरमेंट, क्योंकि अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा था कि हमें लेंथ ऑफ द सैंपल ट्यूब हमारी फिक्स रहती है, कंसंट्रेशन जो चाहिए वो भी हम हमेशा फिक्स रखते हैं, यूनिट कंसंट्रेशन लेते हैं, प्योरिटी तो भैया चाहिए, अगर इम्प्योर होगा तो कोई ऑप्टिकल रोटेशन हमको नहीं मिलेगा, यानी ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर ही ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर वेरिएबल है और इसीलिए जो है हम मानते हैं कि जो टेम्परेचर है वो इनसिग्निफिकेंट फैक्टर के रूप में यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो ई ऑप्शन भी था विच इज एवब इक्वली, लेकिन जो सबसे सही आंसर होगा यहाँ पर वो क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ द मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज इनेंशियोमर्स आर, इनेंशियोमर की डेफिनेशन पूछ रहा है। देखिए ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इस पर भी जो ऑप्शंस आपको दिखेंगे वो सारे के सारे आपको लगेगा कि सही हैं, लेकिन इसमें से भी जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो आपको चुनना है। पहला ऑप्शन है मॉलिक्यूल्स दैट हैव अ मिरर इमेज, बिल्कुल सही बात है, इनेंशियोमर्स मिरर इमेजेस रखते हैं। मॉलिक्यूल्स दैट हैव एटलीस्ट वन स्टीरियोजेनिक सेंटर, यानी कि एक कायरल कार्बन होना चाहिए, ये बात भी सही है। नॉन सुपर इम्पोजेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये भी बात सही है, लेकिन जो सबसे सही ऑप्शन है वो है हमारा डी, जहाँ पर लिखा हुआ है नॉन सुपर इम्पोजेबल मॉलिक्यूल्स भी हैं और मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो जो इनेंशियोमर्स होते हैं वो मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे के और साथ ही साथ वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, यानी उनको अगर एक को उठा करके दूसरे के ऊपर रखा जाएगा तो वो उसे पूरी तरीके से ढक नहीं पाएंगे, उन्हीं को हम इनेंशियोमर्स कहते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ इनेंशियोमर। ये जो बातें भी आपको दिख रही हैं कि ये कुछ पॉइंट्स दिखेंगे जिसमें से कुछ एक पॉइंट ऐसा है जो कि सेम नहीं होता हमारे इनेंशियोमर्स के लिए, जो है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, स्पेसिफिक रोटेशन और डेंसिटी।
इन चारों में से कौन से ऐसी चीज़ है, सॉरी एक ऑप्शन है और इसमें, दैट इज़ केमिकल रिएक्टिविटी टूवर्ड्स द काइरल, सॉरी ए काइरल रिएजेंट्स। तो यहाँ पे समझिए जो इनेंशियोमर्स होते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं, हम कभी भी उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर उन्हें अलग नहीं कर सकते हैं। केवल एक ही चीज़ अलग होती है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को कितना रोटेट कर रहे हैं और किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा स्पेसिफिक रोटेशन, क्योंकि इनेंशियोमर्स का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये तीनों फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, और जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो केमिकल प्रॉपर्टी वो सेम होगी, केवल और केवल स्पेसिफिक रोटेशन ही अलग हो सकता है। जैसे अभी पिछले पाँचवें नंबर के क्वेश्चन में हमने देखा था, एक प्लस 13 था और दूसरा माइनस 13.76, तो उसी हिसाब से ये अलग हो सकता है, यानी कि जो आंसर होगा वो होगा स्पेसिफिक रोटेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ डिफरेंस इन ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स में कौन सी ऐसी चीज़ है जो डिफरेंट होती है, ये भी पिछले वाले क्वेश्चन से जुड़ा हुआ बात है। हीट है, टेम्परेचर है, पोलराइज लाइट है और प्रेशर है। तो जो प्रेशर है, हीट है और जो लाइट, सॉरी हीट है और जो टेम्परेचर है, ये सब फिर से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाली बात हो गई जो कि सेम होती हैं, तो इसलिए वहाँ पे कोई डिफरेंस हमको देखने को नहीं मिलेगा अगर हम उसे हीट करें या टेम्परेचर उसका बढ़ाएं या घटाएं, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हम देखना चाहें या फिर हम उस पर प्रेशर लगा के कुछ बदलना चाहें, तो हमें कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स में। केवल प्लेन पोलराइज लाइट, यानी जो पोलराइज लाइट है उसकी प्लेन को रोटेट करने का जो तरीका है वही अलग होता है। इसीलिए यहाँ पर भी जो आंसर है हमारा वो पोलराइज लाइट होगा, क्योंकि जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है वो रोटेट कर सकता है प्लेन पोलराइज लाइट को डिफरेंट डायरेक्शंस में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि हमने आपको जब हम लोग ये यूनिट पढ़े थे तो हमने देखा था कि कई सारे कॉन्फ़िगरेशंस को बताने के तरीके होते हैं, जैसे विट्स फार्मूला है हमारा, न्यूमैन्स फार्मूला है हमारा, तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जो सॉलिड विट्स जो फार्मूला है उसमें जो सॉलिड लाइंस होती हैं हमारे विट्स फार्मूला में, सॉलिड लाइंस जो होती हैं वो क्या बताती हैं कि ग्रुप किधर लगा हुआ है। जैसे इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं डॉटेड लाइन से H लिखा हुआ है और सॉलिड मोटी लाइन से जो है CH2OH लिखा हुआ है। तो इसमें जो ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, टूवर्ड्स रीडर, अवे फ्रॉम द रीडर, ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए जो मोटी वाली लाइनें बनाते हैं हम लोग स्ट्रक्चर में वो हमें बताती हैं कि जो ग्रुप लगा हुआ है वो अबव द प्लेन है। अबव द प्लेन मान लीजिए इस मोबाइल स्क्रीन से ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ होने का मतलब है अगर आप पेपर पर लिख रहे हैं तो मतलब पेपर से ऊपर निकला हुआ। ऊपर निकला हुआ मतलब जो हमारा व्यूअर है, जो हमारा रीडर है, जो हमारा ऑब्जर्वर है उसकी तरफ ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, टूवर्ड्स रीडर। जो डॉटेड लाइन होती हैं वो बताती हैं बिलो द प्लेन है ग्रुप, जो हाइड्रोजन लगा हुआ है बिलो द प्लेन लगा हुआ है, या फिर अवे फ्रॉम द रीडर होगा। ऑन द प्लेन में OH और COOH ग्रुप जो लगे हुए हैं वो ऑन द प्लेन ऑफ द कार्बन है, इसीलिए उसे क्या कहेंगे, ऑन द प्लेन ऑफ पेपर। तो अगर ये तीनों जो डायरेक्शन है, तीन ही प्रकार के हम बॉन्ड बनाते हैं स्ट्रक्चर में और वो तीनों अलग अलग बातें हमको बताते हैं, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, टूवर्ड्स रीडर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स विच रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट इन अ काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन आर सेट टू बी। ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान इसमें हटाया तो आप गलत आंसर करके चले आएंगे। द काउंटर क्लॉक वाइज, जब हमने कहा कि दो ही प्रकार के इनेंशियोमर्स हो सकते हैं और ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स जो होते हैं वो प्लेन पोलराइज लाइट को सिर्फ दो ही तरीके से रोटेट करते हैं, एक तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में और एक एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, जिसे हम काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, और या फिर लेफ्ट साइड में। तो जो लेफ्ट साइड में घुमाते हैं या काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं उन्हें हम कहते हैं लिवो रोटेटरी, जो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं उन्हें हम कहते हैं डेक्सो रोटेटरी। ऑप्शंस में एस कन्फिग्रेशन और आर कन्फिग्रेशन डाल करके आपको कन्फ्यूज़ कर रहा है। आर कन्फिग्रेशन और एस कन्फिग्रेशन मॉलिक्यूल के एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन को बताते हैं, ये कभी भी रोटेशन ऑफ लाइट को कभी नहीं बताते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर दो ही शब्द हम यूज़ कर सकते हैं, लिवो रोटेटरी या डेक्सो रोटेटरी, क्योंकि ये काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, लिवो रोटेटरी। द आंसर इज लिवो रोटेटरी ए। अब आइए एक क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको एक मॉलिक्यूल दिया गया है और इस मॉलिक्यूल में जहाँ पर स्टार बना हुआ है वो पूछ रहा है कि उस स्टार पर लगे हुए कार्बन, यानी जो हमारा काइरल कार्बन है, उसका कन्फिग्रेशन पूछ रहा है कि वो R है या S है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन, यानी कि R S कन्फिग्रेशन क्या होता है, इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसमें हम लोगों ने ये चेक करना बताया था आपको कि हम इसमें सबसे पहले कैन इन्वॉल्व प्रीलॉक सिस्टम, यानी कि
सिक्वेंसिंग रूल के हिसाब से चारों ग्रुप की हम क्या करते हैं, पहले नंबरिंग कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने नंबरिंग की, OH ग्रुप पहले नंबर पे, CH2NH2 दूसरे नंबर पे, और जो हमारा कैटेकॉल रिंग लगी है वो हमारी तीसरे नंबर पे। अब हम मूवमेंट करते हैं, आई को मूव करते हैं या मूवमेंट देखते हैं कि 1 to 2, 2 to 3 जब हम जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो बिलो द प्लेन लगा हुआ है, इसलिए हमें उसे कंसिडर नहीं करना है। तो 1 से 2, 2 से 3 हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसीलिए अगर राइट डायरेक्शन में चलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, तो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन क्या कहलाता है, आर कॉन्फ़िगरेशन। द आंसर विल बी आर कॉन्फ़िगरेशन। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी एक बहुत ही अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है आर प्लस ग्लिसरेल्डिहाइड इज अ लिवोरोटेटरी, रोटेट्स प्लेन पोलराइज लाइट इन अ काउंटरवाइज डायरेक्शन, रोटेट्स प्लेन पोलराइज लाइट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या फिर इट इज़ अ रेस्मिक मिक्सचर। अब देखिए, फिर से R और S केवल कॉन्फ़िगरेशन बताता है, वो कभी भी डायरेक्शन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो डायरेक्शन ऑफ द पोलराइज लाइट की बात कर रहे हैं कि वो किधर मूव उसको या रोटेट करेगा। तो जो प्लस का साइन लगा हुआ है वो बताता है कि हमारा जो ग्लिसरेल्डिहाइड है वो डेक्सो रोटेटरी है। डेक्सो रोटेटरी मतलब कि जो वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों लीवर रोटेटरी है, यानी वो दोनों ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि वो रेस्मिक मिक्सर की बात कर रहा है। रेस्मिक मिक्सर होता तो प्लस माइनस दोनों साइन लगा होता। प्लस साइन से सिर्फ बता दे रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल है वो हमारा वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, और जब भी माइनस साइन अगर लगा होता तो हम कहते हैं कि वो लीवर रोटेटरी है या फिर काउंटरवाइज डायरेक्शन में, सॉरी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको मूव करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, व्हाट इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। फिर से एक आपको कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया गया है और पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सी स्टीरियोकेमिस्ट्री है, आर कॉन्फ़िगरेशन है, एस कॉन्फ़िगरेशन है, मीजो कॉन्फ़िगरेशन है, या फिर ये काइरल नहीं है। देखिए मॉलिक्यूल को देखिए और ये समझिएगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री होने के लिए काइरल मॉलिक्यूल का होना ज़रूरी है या फिर काइरल कार्बन का होना, एटलीस्ट वन काइरल कार्बन का होना ज़रूरी होता है। जबकि यहाँ पर जो काइरल कार्बन हमें दिखाई दे रहा है उस पर दो मिथाइल ग्रुप सेम ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए ये काइरल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं होगी। द आंसर विल बी नॉट काइरल, जो डी ऑप्शन है वही आंसर यहाँ पर सही होगा, क्योंकि यहाँ पर सेम आइडेंटिकल दो ग्रुप्स लगने की वजह से ये काइरल सेंटर नहीं है। नेक्स्ट आंसर नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15। अब ये जो क्वेश्चन है वो है हमारे कैन इनगोल्ड प्रीलॉग सिक्वेंसिंग रूल के हिसाब से आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ग्रुप सबसे बड़ा है। अगर ये किसी एक कार्बन पे चारों ग्रुप लगे हुए हैं तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा ग्रुप होगा, या सबसे प्रायोरिटी वाला जिसे वन प्रायोरिटी देंगे वो कौन सा होगा, तो या लीस्ट प्रायोरिटी भी कई बार पूछी जा सकती है। इससे रिलेटेड एक बात और बोल दूं कि कैन इनगोल्ड प्रीलॉग सिक्वेंस रूल्स को हम लोग प्रायोरिटी रूल्स के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में कई बार पूछता है व्हाट आर द प्रायोरिटी रूल्स, तो आप या किस नाम से उसे जानते हैं, तो कैन इनगोल्ड प्रीलॉग सिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है। और ये आर एस सिस्टम और ई जेड सिस्टम को जो कॉन्फ़िगरेशन के हैं उसको बनाने में हम इनका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन है उसमें जो रूल है, रूल के हिसाब से हम सबसे पहला काम करते हैं, हम पहले वाले एटम का एटॉमिक नंबर देखते हैं। यहाँ पे चारों सी ही है, कार्बन ही है, तो फिर हम नेक्स्ट एटम पे चले जाते हैं। और नेक्स्ट एटम जो सेकेंड ऑप्शन है उसमें सी एल लगा हुआ है, फर्स्ट में हमारा सिर्फ एच ही है, सी वाले ऑप्शन में हमें ओ दिख रहा है और डी वाले में भी डबल बॉन्ड ओ दिख रहा है। तो हमारे पास हमें मालूम है कि सी एल का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6, इसीलिए सी एल बड़ा है, इसीलिए जो बी है ऑप्शन इट इज़ द राइट आंसर, सी एच टू सी एल विल बी द राइट आंसर हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, ये भी हमारे कैन इनगोल्ड प्रीलॉग सिक्वेंसिंग रूल के हिसाब से फिर से पूछ रहा है कि कौन सा हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं। तो जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसे हम तीन बार गिनते हैं सेम एटम को, डबल बॉन्ड होता है तो रूल के हिसाब से हम उसे दो बार गिनते हैं। लेकिन ये ए और बी कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन डाला गया है, जो कि जो हमारा तीसरा ऑप्शन है उसमें देखिए पहले वाले कार्बन पे ओ लगा हुआ है, ओ का एटॉमिक नंबर हमेशा कार्बन से ज़्यादा होगा, इसीलिए जो आंसर होगा वो हमारा होगा सी। और सिक्वेंस रूल या कैन इनगोल्ड प्रीलॉग रूल्स क्या है इसको अगर आपने नहीं पढ़ा है पहले, तो प्लीज़ जा करके वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और ये आपकी क्लियरिटी जो हो जाएगी, इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आप खुद से ही कर पाएंगे। और इस तरीके के बहुत क्वेश्चन पूछता है कि लीस्ट प्रायोरिटी वाला या हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ आर कॉन्फ़िगरेशन। जब हमको ये पता चल गया कि सिक्वेंसिंग रूल के हिसाब से हमें रूलिंग करनी है
और उसका नंबरिंग हमको देनी है। नंबरिंग देने के बाद फिर हम लोग मूवमेंट करके देखते हैं, जैसा मैंने एक ऑप्शन आपको करके दिखाया था वैसे ही जब हम देखेंगे तो जो हमारा ए ऑप्शन है उसको ध्यान से देखिए। इस तरीके में जब हमारा एच या लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है तो हम इसको बदलते हैं। ये मैंने आपको करके दिखाया था जब हम आर और एस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे थे, वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। तो सी एस सी कहाँ चला जाएगा, एच की जगह पर, एच कहाँ जाएगा, सी एस सी की जगह पर। क्यों? क्योंकि हम जो है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन से वर्टिकल लाइन पर लेकर के आते हैं। अगर हम इसे बदलेंगे तो हमें OH को CH2 की जगह पे और CH2 OH को OH की जगह पे लेकर आना पड़ेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा A ऑप्शन है, बाकी सब तो नहीं है, A ऑप्शन जो है वही सिर्फ R कॉन्फ़िगरेशन में हमको देखने को मिलेगा। ये कैसे हुआ, पेन और पेपर उठाइए और आप एक बार करके देखिए। आर कॉन्फ़िगरेशन जैसे मैंने बताया था बिल्कुल वैसे ही आप इसमें असाइन करेंगे तो आपको मिलेगा। इस तरीके के कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहाँ पर आर और एस कॉन्फ़िगरेशन को पूछा जाता है। तो पहला काम हमें क्या करना है, प्रायोरिटी सेट करनी है, और प्रायोरिटी सेट करने के बाद उसको मूवमेंट करा के देखना है कि वो आर की तरफ चल रहा है कि एस की तरफ। लेकिन अगर छोटा ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर लगा होगा तब फिर हमको क्या करना होता है, मूवमेंट करवानी पड़ती है। इंटरचेंज करते हैं ग्रुप को हम लोग दो बार, यानी कि हॉरिजॉन्टल वाले को वर्टिकल पर लेके आते हैं, वर्टिकल वाले को हॉरिजॉन्टल पर लेके जाते हैं, तब फिर हम उसके बाद असाइन करते हैं हमारी जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमको चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज, वुड द फॉलोइंग कंपाउंड हैव एन एनेंशियोमर। देखिए यहाँ पर फिर एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है और इस कंपाउंड को देख करके आपको बताना है कि क्या यहाँ पर कोई इनेंशियोमर्स हो सकते हैं या नहीं। इससे मैंने एक चीज़ और जोड़ दी इस क्वेश्चन में कि ऑप्शन में एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि उस प्रकार के इनेंशियोमर का नाम भी पूछ रहा है। जैसे पहला है हाँ यहाँ पर इनेंशियोमर्स पाया जाएगा लेकिन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इसको बोलेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। दूसरा ऑप्शन है नो आइसोमेरिज्म, यानी कोई आइसोमेरिज्म पाई ही नहीं जा रही। तीसरा है हाँ पाई जा रही है लेकिन एट्रोपिसोमेरिज्म पाई जा रही है। या चौथा है नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इट इज़ अ बाईफिनाइल, और बाईफिनाइल्स जो होते हैं वो दो फिनाइल रिंग्स यानी कि दो बेंजीन रिंग्स आपस में एक सिग्मा बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से उसमें रोटेशन होती है जिस वजह से वहाँ पे कोई आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाती। लेकिन अगर ऑर्थो पोजिशंस पे बल्कि ग्रुप, बड़े ग्रुप लगा दिए जाते हैं तब फिर रिस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन होता है, जिसकी वजह से जैसा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये बेंजीन रिंग एक दूसरे से 90 डिग्री पर जा करके सेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर एक आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस होती है। और इस प्रकार की आइसोमेरिज्म को हम लोग एट्रोपिसोमेरिज्म बोलते हैं, और एट्रोपिसोमेरिज्म या फिर बाईफिनाइल्स में आइसोमेरिज्म पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो जा करके उसको जरूर देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो जो बल्कि ग्रुप है उसके लगने की वजह से स्टेरिक हिंडरेंस होगी और उस स्टेरिक हिंडरेंस की वजह से यहाँ पर आइसोमेरिज्म पाई जाएगी। नेक्स्ट आंसर सॉरी क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफिनीशंस ऑफ एन एसिमेट्रिक रिएक्शन इज मोस्ट एक्यूरेट। अब यहाँ पर भी देखिए चार ऑप्शन आपको मिले हैं, चारों में कुछ सही बात लिखी होगी लेकिन हम कह रहे हैं कि मोस्ट एक्यूरेट हमको चाहिए, जो सबसे सही ऑप्शन है वो आपको चुनना है। और पहला ऑप्शन है अ रिएक्शन दैट क्रिएट्स अ न्यू कायरल सेंटर इन द मॉलिक्यूल। कुछ कुछ सही बात है, हमारे एसिमेट्रिक सिंथेसिस में हम लोग क्या करते हैं, सिमेट्रिक सबस्ट्रेट लेते हैं और उसमें एक नया कायरल सेंटर जो है वो लाते हैं। दूसरा अ रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स अ कायरल रिएजेंट। कई बार हम कायरल रिएजेंट डाल करके इस तरीके की रिएक्शंस को कराते हैं, ये बात भी सही है। अ रिएक्शन विच क्रिएट्स अ न्यू कायरल सेंटर विद सेलेक्टिविटी फॉर वन इनेंशियोमर और डाइस्टीरियोमर्स ओवर एनदर। ये बात सबसे ज़्यादा सही है कि हम एक नया कायरल सेंटर भी ला रहे हैं और हम चाहते हैं कि एक ही प्रकार का इनेंशियोमर या डाइस्टीरियोमर का फॉर्मेशन हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, एसिमेट्रिक सिंथेसिस या एसिमेट्रिक रिएक्शन कहते हैं। तो या फिर लास्ट वाला रिएक्शन दैट कैरीज आउट एन एसिमेट्रिक, ये तो गलत है। तो केवल सी ऑप्शन यहाँ पर सबसे सही दिख रहा है, जो रिएक्शन होती है उसमें एक नया कायरल सेंटर लेकर के आना होता है और एक ही प्रकार के इनेंशियोमर डाइस्टीरियोमर्स की सिंथेसिस हम ज़्यादा कराते हैं, यानी रेसमिक मिक्सचर हम नहीं बनाते हैं, तो ऐसी रिएक्शंस को हम एसिमेट्रिक रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन फॉर रिएक्शन गोइंग टू 94% इनेंशियोमेरिक एक्सेस। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमने इनेंशियोमेरिक एक्सेस को कैलकुलेट करने का आपको फॉर्मूला बताया था। अब ये क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा गया है, कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है वो दिख रहा है द प्रोडक्ट कंटेन 94% ऑफ वन इनेंशियोमर एंड 6% ऑफ अदर इनेंशियोमर। सीधे हमारे दिमाग में ये बात आती है 94% इनेंशियोमेरिक एक्सेस को देख करके। मान लीजिए कि हमने ये देखा कि
हमारे पास R और S दोनों का मिक्सचर बन रहा है, हमने मान लिया कि R हमारा ज़्यादा बन रहा है जो कि 94% बन रहा है समझने के लिए। तो अब आप समझिए जो बाकी का 6% बचा है वो S नहीं है, बाकी का जो 6% बचा है वो एक रेसमिक मिक्सचर है, इसीलिए हमें जो कंपाउंड का एनेंशियोमेरिक फॉर्म मिल रहा है 94% एक मिल रहा है और दूसरा क्या मिल रहा है रेसमिक मिक्सचर मिल रहा है 6%। अब रेसमिक मिक्सचर में 50-50% दोनों आइसोमर्स होंगे, इसीलिए जो 6 का 50% यानी 3% हमको 94 में और जोड़ना होगा, वो भी सेम ही आइसोमर होगा यानी R का ही 3% और हमने जोड़ दिया, तो टोटल कितना हो गया 97% ऑफ वन एनेंशियोमर हो गया टोटल जो प्रोडक्ट बनेगा, और 3% जो होगा वो अनदर एनेंशियोमर बनेगा। और इसका एक्सप्लेनेशन यही है कि 94% एनेंशियोमेरिक एक्सेस का मतलब होता है कि 94% एक एनेंशियोमर बना है और 6% रेसमिक मॉडिफिकेशन बना है, जिसका रेशियो जब हम निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा टोटल एनेंशियोमर का जब रेशियो पूछेगा तो वो कितना हो जाएगा 97% एंड 3%। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी होते हैं, पूछे जाते हैं, तो आप ऐसे ही इनका आंसर जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज करेक्ट टर्म फॉर 50-50 मिक्सचर ऑफ अ टू इनेंशियोमर। अभी हमने बताया कि जब दो इक्विमोलर जो नाम है अमाउंट में हम लोग मिक्सचर बनाते हैं इनेंशियोमर्स का, जैसे कि डेक्सोरोटरी लिवोरोटरी या आर और एस कन्फिग्रेशन वाले को 50-50% लेकर के एक हम लोग मिक्सचर बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं रेसमिक मॉडिफिकेशन या फिर रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, तो जो आंसर होगा यहाँ पर वो क्या होगा रेसमिक मिक्सचर। अब इस क्वेश्चन में देखिए ये भी एक काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको देख कर ही आप आंसर लगा सकते थे, क्यों, क्योंकि जो तीन ऑप्शन ऊपर के दिए हुए हैं वो ऐसा कुछ होता नहीं है, सिर्फ ट्रांस मिक्सचर, मिरर इमेज मिक्सचर, कायरल मिक्सचर, ये शब्द आपने सुने नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ रेसमिक मिक्सचर ही सुना था, तो इसीलिए जो डी ऑप्शन हो जाएगा वो अपने आप सही हो जाएगा। लेकिन जो इसके पीछे का लॉजिक है वो ये है कि जो 50-50 मिक्सचर होते हैं 50-50% के रेशियो का जो मिक्सचर होता है हमारा इनेंशियोमर का, उसे हम लोग रेसमिक मॉडिफिकेशन या रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 22, द टू इनेंशियोमर्स ऑफ, जैसा कि स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, 2-methyl-1-butanol हैव स्पेसिफिक रोटेशन सोन बिलो देयर स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर +7.5 दिया हुआ है, सॉरी 5.75 दिया हुआ है एक का और दूसरे का एस वाले का दिया हुआ है -0.75। ठीक है, दोनों का स्पेसिफिक रोटेशन दिया, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अ रेसमिक मिक्सचर ऑफ 2-methyl-1-butanol। देखिए ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है, काफ़ी कंफ्यूज किया आपको, स्ट्रक्चर भी बना के दे दिया, आर और एस भी लिख कर दे दिया, प्लस स्पेसिफिक रोटेशन भी दे दिया दोनों का। अब आपसे पूछ रहा है कि जो मिक्सचर बनेगा रेसमिक मिक्सचर वर्ड यूज़ कर रहा है और पूछ रहा है कि उसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना होगा। तो बच्चे हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है, रेसमिक मिक्सचर अगर होगा तो ये दोनों 50-50% होंगे, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे का जो रोटेशन है उसको कैंसिल कर देंगे या काउंटर कर देंगे, जिसकी वजह से जो स्पेसिफिक रोटेशन होगा वो कितना होगा 0 degree होगा। किसी भी रेसमिक मिक्सचर या मिजो कंपाउंड का रेसमिक जो क्या नाम है ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है वो 0 होती है, क्योंकि वहाँ पे कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, इसीलिए कोई स्पेसिफिक रोटेशन नहीं होगा, 0। तो इसका आंसर तो लास्ट लाइन में छुपा हुआ है, क्वेश्चन के ही लास्ट लाइन में छुपा हुआ है, रेसमिक मिक्सचर है, कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, सीधे लिख देना है 0 degree, बिकॉज रेसमिक मिक्सचर जो होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको ढूंढना है। पहला स्टेटमेंट है रेसमिक मॉडिफिकेशन इज एन इक्विल मोलर मिक्सचर ऑफ डेक्सोरोटरी एंड लिवोरोटरी आइसोमर्स, अभी हमने डिस्कस किया, बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा, मिजो कंपाउंड कंटेन मोर देन वन काइरल कार्बन सेंटर, ये भी हमने मिजो कंपाउंड जब आप देख रहे थे तो हमने आपको बताया था कि मिजो कंपाउंड में कम से कम एक काइरल सेंटर तो होना ही, सॉरी एक से ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम दो तो होने ही चाहिए, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन, मिजो कंपाउंड्स आर एक्सटर्नली कंपनसेटेड, नहीं ये बात गलत है, क्योंकि एक्सटर्नली कंपनसेटेड जो होते हैं वो रेसमिक मिक्सचर होते हैं, क्योंकि हम उसमें दो एक अलग अलग प्रकार के एनेंशियोमर्स लेते हैं और सॉरी अलग अलग प्रकार के ऑप्टिकल एक्टिवर्स जैसे कि डेक्सोमेडेट्री और लिवोडेटरी सेम कंपाउंड का लेते हैं, जिसकी वजह से वो एक्सटर्नली एक दूसरे के इफेक्ट को काटते हैं, जबकि मिजो कंपाउंड में एक ही कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से वो आधा मॉलिक्यूल अपने ही आधे मॉलिक्यूल का मिरर इमेज
बन जाता है, इसीलिए हम उसे कहते हैं कि वो इंटरनली कंपनसेटेड है, नॉट कि एक्सटर्नली कंपनसेटेड। और जो चौथा ऑप्शन है, रेसिपी मिक्सचर इज डेजिग्नेटेड एज डीएल पेयर, बिल्कुल सही बात है, डेक्सोरोटेटरी और लिवर रोटेटरी का पेयर होता है, तो उसे हम जब भी लिखते हैं तो डी और स्मॉल डी और स्मॉल एल एक साथ लिख देते हैं। इसका मतलब जो ऑप्शन सी है वही यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज जो मीजो कंपाउंड्स होते हैं वो इंटरनली कंपनसेटेड होते हैं, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सटर्नली कंपनसेटेड, तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हमारा सी वाला ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, फिर से करेक्ट आपसे पूछ रहा है। अब इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं ना बड़े बड़े दिखते हैं, तो ये क्यों डाल दिए जाते हैं पेपर में, ताकि बच्चा जो है उसको लगे कि अरे इतना बड़ा क्वेश्चन है मैं पढ़ूंगा ही नहीं। लेकिन इस सब तरीके के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि आप उसको ध्यान से एक बार पढ़िए, बहुत आसान होते हैं ये सब क्वेश्चन। पहला हमारा, मीजो कंपाउंड पॉसेस बोथ प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री, मीजो कंपाउंड पॉसेस आइदर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, मीजो कंपाउंड डज नॉट पॉसेस आइदर प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री, या फिर मीजो कंपाउंड्स आर एक्सटर्नली कंपनसेटेड। इसमें सिर्फ एक करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट है। तो डी वाला तो पहले ही हमने बताया कि इनकरेक्ट है, ये पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था, उसका आंसर ही था ये। जबकि पहले वाले ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है दोनों होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, ऐसा नहीं होता है। जो दूसरा ऑप्शन है उसमें लिखा आइदर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मीजो कंपाउंड में या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी या तो सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकती है, दोनों चीज़ नहीं होंगी या दोनों में से कोई नहीं है, ये भी सही नहीं है। तो जो ऑप्शन बी है इट इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अभी ये भी एक देखिए कितना बड़ा सा क्वेश्चन है, एक पैराग्राफ जैसा दिख रहा है, लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं, इसको पढ़ने की जरूरत है और फिर इसको सॉल्व करेंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रायोरिटी रूल फॉर आरएस सिस्टम, कैन इनगॉल्ड प्रीलॉग सिस्टम या फिर हमारा प्रायोरिटी रूल जो हम आरएस सिस्टम या इजेंट सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं, उसमें इसमें से कौन सी ऐसी बात है जो कि सही नहीं है, जो प्रायोरिटी रूल में नहीं आती। जैसे कि पहला हमारा है, इफ फोर एटम अटैच टू अ कैरल सेंटर आर डिफरेंट, प्रायोरिटी डिपेंड ऑन द एटॉमिक नंबर विथ द एटम ऑफ लोअर एटॉमिक नंबर गेटिंग द लोअर प्रायोरिटी, बिल्कुल सही बात है। जब हमारे कायरल कार्बन के ऊपर चार डिफरेंट एटम्स लगे होते हैं तो हम लोग एटॉमिक नंबर से ही उसको प्रायोरिटी बनाते हैं, और जिसकी एटॉमिक नंबर सबसे कम होती है उसे सबसे कम लोएस्ट प्रायोरिटी मिलती है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, इफ द टू एटम अटैच टू कायरल सेंटर आर द सेम, द एटम अटैच टू ईच ऑफ देयर फर्स्ट एटम्स आर कंपेयर्ड, बिल्कुल सही बात है। जैसे हम लोगों ने ऑप्शंस देखे थे, क्वेश्चन अभी देखे थे दो इसके ऊपर, तो हमने देखा था अगर सेम एटम लगे होते हैं तो हम नेक्स्ट एटम पे चले जाते हैं, ये बात भी सही है। थर्ड ऑप्शन, व्हेन देयर इज अ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बोथ एटम्स आर कंसिडर्ड एज द डुप्लीकेटेड और ट्रिप्लीकेटेड, ये बात भी सही है, वो भी हमने पहले डिस्कस किया कि जब कार्बन और के साथ या उस एटम के साथ डबल बॉन्ड लगा होगा तो उस एटम को हम दो बार गिन लेते हैं, डबल बॉन्डेड एटम को ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है तो तीन बार गिन लेते हैं, ये भी बात सही है। तो फिर इसका मतलब ऊपर के तीन सही हैं तो डी गलत होगा, लेकिन पढ़ लेते हैं एक बार। इफ द फोर एटम अटैच टू द कार्बन सेंटर आर डिफरेंट, द प्रायोरिटी डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक नंबर विद द एटम ऑफ हायर एटॉमिक नंबर गेटिंग लोअर प्रायोरिटी, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। आधी बार तो सही लिखी थी कि कैरल सेंटर पे अगर चार डिफरेंट एटम्स लगे होते हैं तो प्रायोरिटी हम एटॉमिक नंबर से निकालते हैं, लेकिन जिस एटम की हायर एटॉमिक नंबर होता है उसको लोअर प्रायोरिटी नहीं मिलती, उसे हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलती है। इसीलिए जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पर आंसर होगा, क्योंकि ये एक प्रायोरिटी रूल नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 26, When a racemic modification is separated into its constituent enantiomer, the process is known as, देखिए racemic modification हो गया जो 50-50% हमारे enantiomers हैं उनको अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उनको अलग करने की प्रक्रिया को हम resolution कहते हैं, यानी कि option number A। और resolution is a process जहाँ पर हम racemic mixture को उनके enantiomers यानी dextrorotatory और levorotatory में अलग अलग कर दिया जाता है, यानी सेपरेशन की टेक्निक है, उसे ही हम रेजोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द सेपरेशन ऑफ रेसमी मिक्सचर बैक इनटू द डी एन एल आइसोमर इज नोन एज रेजोल्यूशन, ये तो पिछले क्वेश्चन का आंसर ही हो गया। इट कैन बी डन, ये कैसे किया जाता है, तो मैंने आपको ये पहले भी बता रखा है, रेजोल्यूशन पे वीडियो हमने बनाया था, हमने देखा था कि वहाँ पे तीन मेथड काफ़ी ज़्यादा यूज किए जाते हैं, पहला हमारा मैकेनिकल मेथड, दूसरा हमारा बायोकेमिकल मेथड यूजिंग द बायोलॉजिकल एंजाइम्स या जिसे हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी बोलते हैं, और साथ ही साथ केमिकल मेथड्स लाइक सॉल्ट फॉर्मेशन करके या डाइस्टीरियोमर्स में कन्वर्ट करके उसके बाद फिर
डिफरेंट इनेंशियोमर्स को अलग किया जा सकता है. तो ऑल ऑफ द एबव जो है वो मेथड्स हैं ऑफ द रिजोल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट आर डायस्टीरियोमर्स. डायस्टीरियोमर्स की डेफिनेशन पूछ रहा है, मॉलिक्यूल्स विथ नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, मॉलिक्यूल्स विथ सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, मॉलिक्यूल्स विच डू नॉट हैव नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, नन ऑफ द एबव. तो इसमें भी आंसर सी होगा, वो मॉलिक्यूल जिनके नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बनती हैं, यानी वो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होते हैं, या ना तो मिरर इमेजेस होते हैं ना तो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, डायस्टीरियोमर्स बोलते हैं. मिरर इमेजेस होते हैं और नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इनेंशियोमर्स कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 29, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट. अब ये देखिए, यहाँ पर भी कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको ऑप्शन दिया जा रहा है. ऑप्शन नंबर 1, DL नोटेशन इज रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन. ऑप्शन नंबर 2, RS कैपिटल R कैपिटल S नोटेशन इज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन. बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द मेंशन. देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, ऑप्शन नंबर 1 को देख करके तुरंत मत लिख दीजिएगा रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होता है, बिकॉज स्मॉल डी और स्मॉल एल जो है वो डेक्सोरोटेटरी लीवोरोटेटरी बताता है. कहने का मतलब वो प्लेन पोलराइज लाइट को किस तरफ घुमा रहा है ये बताने का काम स्मॉल डी और स्मॉल एल करता है. कैपिटल डी कैपिटल एल लिखा होता तब हम कहते कि हाँ वो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है, क्योंकि तब हम लोग ग्लिसरल डिहाइड के साथ कंपेयर करके और कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं. इसका मतलब कि कैपिटल डी कैपिटल एल जो होता है वो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होता है. आरएस कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो हमारे मॉलिक्यूल के जो एग्जैक्ट जो सही में जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको बताने के लिए यूज़ किया जाता है. और इसीलिए यहाँ पर जो करेक्ट सबसे करेक्ट आंसर होगा वो होगा आरएस नोटेशन इज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि जो कैपिटल डी कैपिटल एल रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को बताता है, जबकि स्मॉल डी स्मॉल एल जो है वो सिर्फ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को बताता है. तो यहाँ पर ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था, इसको आप लोग इस तरीके से सॉल्व करिएगा, देखते ही मत लगा दीजिएगा बहुत सही है. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, विच इज करेक्ट रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स फॉर्म इन द रिएक्शन ऑफ कायरल मॉलिक्यूल. हमने आपको बताया था कि कायरल मॉलिक्यूल्स की जो रिएक्शंस होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं, और तीनों यहाँ ऑप्शन में दिखाई दे रही हैं. एक हमारा इन्वर्जन रिएक्शन, दूसरा रिटेंशन रिएक्शन, तीसरा रेसिमाइजेशन, और चौथा ऑप्शन हमारा ऑल ऑफ द अबव. तो इन्वर्जन अपने नाम से बताता है, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट होगा हमारे सबस्ट्रेट के कॉन्फ़िगरेशन से. अगर हमारा सबस्ट्रेट एस कॉन्फ़िगरेशन का था तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, आर कॉन्फ़िगरेशन का बनेगा. रिटेंशन, रिटेंशन मतलब रिटेन करना, जब प्रोडक्ट जो बनेगा उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हमारे सबस्ट्रेट के कॉन्फ़िगरेशन जैसा होगा, सेम होगा. जो रेसिमाइजेशन होता है उसमें दोनों कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, यानी कि रेसमिक मिक्सचर हमको बन करके मिलता है. तो ये तीनों बात जो यहाँ लिखी हुई है सही लिखी हुई है, इसीलिए जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ द एबव होगा. तो ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चंस फ्रॉम द यूनिट नंबर 1, और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा. नेक्स्ट टर्न पे हम लोग जो है जो हमारे अगले वीडियो में हम लोग यूनिट 2 का लेकर के आएंगे, ऐसे ही यूनिट 5 तक हम लोग जाएंगे, और उसके मिनिमम 20 क्वेश्चंस हम ज़रूर आपको देंगे, ताकि आपको कम से कम 100 क्वेश्चंस तो मिल ही जाए. अब 10 क्वेश्चन तो इसी में ज़्यादा हो गया, तो 110 जो है वो मिलना ही मिलना है. बाकी अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है इन क्वेश्चंस को समझने में, या इस तरीके के कोई और क्वेश्चन है जिसका आंसर आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम लोग आपके सजेशंस को, आपके प्यार को, आपके जो भी आपके पॉइंट्स होंगे उनको अपने अगले वीडियोज़ में ध्यान रखने की कोशिश करेंगे. अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादातर लोगों तक ये पहुँच पाए. और इसका जो PDF का लिंक है वो भी हम कुछ दिनों में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आप इसको अपने प्रैक्टिस के लिए भी यूज़ कर सकें. वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.